आवर यूट्यूब चैनल विच इज एग्जाम मेनी एक्स। तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो, आज मैं वीडियो में IBPS के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ जो नोटिफिकेशन 2023 की आई है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। IBPS PO 2023 की जो नोटिफिकेशन आई है उसमें 3049 वैकेंसीज है और जो पोस्ट है वो प्रोबेशनरी ऑफिसर और मैनेजमेंट ट्रेनी का है। अब बात करते हैं डेट्स के बारे में। तो जो इसका स्टार्टिंग एप्लीकेशन डेट था, डेट ऑफ नोटिफिकेशन 1st of August का था और जो लास्ट डेट है वो 21st of August यानी कि कल का है। तो अभी भी आपके पास टाइम है, जो लोग भी इस एग्जामिनेशन के लिए इंटरेस्टेड है वो लोग फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ऑनलाइन एग्जामिनेशन का प्री का जो डेट है अभी आया नहीं है, सेप्टेम्बर अक्टूबर में उसका एग्जाम होगा। अब देखिए यहाँ पे बताया है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। IBPS PO का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो पहला प्री एग्जामिनेशन होगा, आपका मेंस होगा और उसके बाद आपका इंटरव्यू राउंड होगा। IBPS PO की सैलरी के बारे में देख लेते हैं। जो सैलरी रहेगा आपका 60,000 से लेके 75,000 तक रहेगा, डिपेंडिंग ऑन द प्लेस ऑफ द पोस्टिंग एंड द अलॉटेड बैंक। अब यहाँ पे देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ एग्जामिनेशन, प्री एग्जामिनेशन का पूरा स्ट्रक्चर बताया है कि कौन से सब्जेक्ट्स, मार्क्स और ड्यूरेशन के बारे में आपको बताया है। तो देखिए पहला आपका जो इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मार्क्स भी आपका 30 रहेगा, 20 मिनट्स मिलेगा आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। फिर उसके बाद आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग एबिलिटी है, उन दोनों के जो मार्क्स रहेंगे और क्वेश्चंस रहेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 रहेंगे और हिंदी इंग्लिश मीडियम रहेगा आपका, 20 मिनट्स दोनों को सॉल्व करने के लिए रहेंगे। टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 100 रहेंगे। आप 1 घंटे का टाइम मिलेगा आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन जो था वो प्री एग्जामिनेशन के लिए था। अभी हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो अपना रहेगा मेन्स एग्जामिनेशन के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो ये स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हो, ये जो टेबल आपको दिख रहा है मेंस का जो एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में सारा डिटेल दिया है। तो आपका फर्स्ट जो होगा रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड का होगा, नंबर ऑफ क्वेश्चन 45, 60 मार्क्स का रहेगा, 60 मिनट्स मिलेगा आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। और सेकंड जो रहेगा जर्नल इकोनॉमिक एंड बैंकिंग अवेयरनेस का रहेगा, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 40 रहेगा, मार्क्स भी आपका 40 रहेगा, 35 मिनट्स मिलेगा आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। इंग्लिश लैंग्वेज है, 35 नंबर क्वेश्चन, 40 मार्क्स रहेगा एंड डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन, 60 मार्क्स रहेगा, इसमें 45 मिनट्स मिलेगा। टोटल आपका जो रहेगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 155 और मार्क्स जो रहेगा आपका वो 200 रहेगा। 3 आवर्स का पूरा पेपर सॉल्व करने के लिए टाइम मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखिए लेटर और ऐसे लेटर राइटिंग एंड ऐसे के लिए जो रहेगा 2 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स रहेगा आपका और 30 मिनट्स मिलेगा आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए। ये पूरा आपका मेंस जो एग्जामिनेशन होगा IBPS PO का उसका इन्फॉर्मेशन दिया है और आपको नेगेटिव मार्किंग को भी अवॉइड करना है।